हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे टेक्नो के न्यू स्मार्टफोन कैमोन आई एयर की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू, जो कि हमें 7500 से 8000 की रेंज में मार्केट में मिल जाता है। जानेंगे इस फोन के बारे में और ये भी जानेंगे कि टेक्नो के पुराने मोबाइल जो कि पिछला मोबाइल आया था टेक्नो का कैमोन आई, उससे ये फ़ोन कितना का अलग है। और ये जो हमें टेक्नो का कैमोन आई था वो था 3GB 32GB के साथ, और जो न्यू फ़ोन आया है वो है 2GB 16GB के साथ। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये फ़ोन लेने का फ़ायदा है भी या नहीं। इसके साथ साथ दोस्तों, वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ये 5A से कितना अलग है, 5A के कंपेयर में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, टेक्नो का कैमोन आई एयर या 5A। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे सामने है कैमोन आई एयर का बॉक्स। इसके ऊपर लिखा है 8 MP एंड 30 MP कैमरा। बैक साइड में लिखा है 5.65 इंच की स्क्रीन, 8 MP सेल्फी कैमरा इंक्लूड फ्लैश, 13 MP का रियर कैमरा विद क्वाड फ्लैश, 2GB 16GB एंड्रॉइड 7.0, 4G वॉलिटी, 3050mAh बैटरी एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर। बॉक्स को करते हैं ओपन। बॉक्स के सबसे ऊपर हमें मिलता है कैमोन आई एयर स्मार्टफोन, जिसके ऊपर कुछ लिखे हुए हैं स्पेसिफिकेशन। चलिए इसे करते हैं साइड। इसके बाद बॉक्स में हमें मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल जो हमें कभी काम नहीं आते हैं। इसके अलावा हमें मिलता है एक कवर जो कि है TPU टाइप का कवर। ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। इसके बाद हमें मिलते हैं एक सिम इजेक्टेड टूल। उसके बाद दोस्तों, हमें मिलता है एक पावर अडेप्टर जो कि है 5.1.2 एम्पीयर का। ये फ़ोन एक नॉर्मल चार्जिंग को ही सपोर्ट होगा। इसके बाद हमें मिलता है USB to Micro USB केबल, एक ईयरफोन और इसके साथ साथ कुछ बर्ड्स। चलिए अब बॉक्स को करते हैं साइड। अब देखते हैं हमारे स्मार्टफोन को। हमारे सामने है कैमोन आई एयर स्मार्टफोन। निकालते हैं इसके स्टिकर को और देखते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू को। फ्रंट साइड में दिया गया है 8 MP का सेल्फी कैमरा, ईयर स्पीकर और एक फ्रंट फ्लैश। अब बात करें इसके बैक साइड की, तो यहां दिया गया है 13 MP का रियर कैमरा इंक्लूडेड क्वाड फ्लैश, और यहां दिया गया है फिंगरप्रिंट स्कैनर, और नीचे की तरफ ये जो स्टिकर लगा है यहाँ पर लिखा है मेड इन इंडिया। फोन की स्टार वैल्यू भी फोन के स्टिकर पर ही मेंशन की हुई है। फोन के नीचे की तरफ दिया गया है चार्जिंग स्लॉट, रिंगर और माइक, और फोन के ऊपर की तरफ दिया गया है 3.5 mm का स्लॉट जो कि है ईयरफोन स्लॉट। फोन के राइट साइड में दिए गए हैं वॉल्यूम रोकर के बटन और ऑन ऑफ का बटन, और लेफ्ट साइड में दिया गया है एक सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड का स्लॉट, जिसमें आप दो सिम और एक SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं। फोन की नेविगेशन कीज फोन के डिस्प्ले में ही दी हुई हैं। चलिए अब देखते हैं फोन के और स्पेसिफिकेशंस को। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने फ़ोन को ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम जाएंगे फ़ोन की सेटिंग में। यहाँ जाएंगे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में हम जाएंगे डिवाइस इन्फॉर्मेशन में। फ़ोन में हमें मिलता है मीडियाटेक का क्वाड कोर प्रोसेसर, 16GB की स्टोरेज, 2GB की रैम, और फ़ोन के डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो है HD+। फ़ोन की 2GB रैम में से हमें मिलती है 1.2GB अवेलेबल, और 16GB स्टोरेज में से हमें 8GB अवेलेबल मिलती है। चलिए अब चेक करते हैं फ़ोन के रिंगर को। इसकी साउंड क्वालिटी आपके सामने है। चलिए अब देख लेते हैं फ़ोन की कैमरा क्वालिटी को। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फ़ोन की कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है। क्लिक की हुई फ़ोटो में आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि ये कैसी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है। तो दोस्तों, अब बात करें कि ये फ़ोन टेक्नो के ही कैमोन आई से कंपेयर में ये कैसा है। तो दोस्तों, दोनों फ़ोनों का ओवरऑल लुक आपके सामने है। दोनों फ़ोन लुक, वेट और साइज़ के हिसाब से सेम लगते हैं। हाँ, फ़ोन की कैमरा की शेप में थोड़ा सा डिफरेंस बनाया गया है, बाकी ओवरऑल लुकिंग दोनों का सेम है। मेजर डिफरेंस है दोनों फ़ोनों में वो ये कि कैमोन आई एयर जो है 2GB 16GB मेमोरी के साथ आता है, जबकि कैमोन आई 3GB 32GB के साथ आता है। कैमोन आई एयर की जो सेल्फी कैमरा है वो 8 MP का है, जबकि कैमोन आई का जो सेल्फी कैमरा है वो 13 MP का है। बाकी दोनों फोनों का फिजिकल कंपेयर तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसका कंपेयर Redmi 5A के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैमोन आई एयर क्यों बेस्ट है Redmi 5A से। तो उसके कुछ रीजंस इस प्रकार से हैं। सबसे पहला रीजन है 18:9 डिस्प्ले है इस फोन की, और साथ में वो है HD+। इसके बाद जो दूसरा रीजन है वो ये कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा, जबकि Redmi 5A में है ओनली 5 MP का फ्रंट कैमरा, उसमें फ्लैश भी नहीं है। थर्ड है, इस फोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि Redmi 5A में नहीं है। रियर कैमरा है, उसमें क्वाड LED फ्लैश है, जबकि Redmi 5A में ड्यूल LED फ्लैश है।
अब बात कर लेते हैं कि Redmi 5A किन सेक्टर में बेटर है। तो Redmi 5A का जो प्राइस है वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके कारण Redmi 5A बेटर फोन माना जाता है कंपेयर टू Camon i Air में। दूसरी बात करें कि Redmi 5A का जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 425 जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि टेक्नो मोबाइल की जो बैटरीज का बैकअप होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, जबकि Redmi 5A की बैटरी का बैकअप जैसा कि आप सभी ने यूज किया ही होगा वो काफ़ी बेटर है Camon i Air के कंपेयर में। दोस्तों अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो अगर आप कंपेयर करेंगे टेक्नो के Camon i और Camon i Air में तो मैं Camon i को ही प्रेफर करूंगा, Camon i Air को नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मेरे को 1000 रुपये ज़्यादा लगाकर 3GB 32GB मिलती है 2GB 16GB की जगह पर, और इसके साथ साथ जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो 13MP का मिलता है जबकि Camon i Air में 8MP मिलता है, तो मैं 1000 रुपये ऊपर देना ज़्यादा मुनाफी समझूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करेंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।